अगली कॉल लेंगे। अस्सलाम वालेकुम, यू आर ऑन एयर। अस्सलाम वालेकुम अफजल जी, फरहान बात कर रहा हूँ इंडिया से। वालेकुम सलाम, माशाल्लाह। अफजल जी मिजाज है? माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अफजल जी, आपके वजाइब से और आपकी दुआओं से हमारे घर का काम मुकम्मल हो गया है और वेनसडे के दिन हम हमारे घर में शिफ्ट भी हो गए। सुभानअल्लाह, सुभानअल्लाह। 2 वीक से ट्राई कर रहा हूँ लेकिन कॉल नहीं मिल रही थी। तो अफजल जी, अभी कुछ घर में हम शिफ्ट हो गए, उसकी हिफाजत के लिए और नजरे बद के लिए, हसे दिन के हसद से बचने के लिए कुछ क्या पढ़ाई करे और क्या घर में ऐसे कुछ लगाए जिससे हिफाजत हो हमारे घर की और बरकत के लिए, ऐसा कुछ बताइए। शुक्रिया। बकिया वीडियो देखने से पहले वीडियो को लाइक करें, रहम टीवी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें, शुक्रिया जी। माशाल्लाह माशाल्लाह, सबसे पहले बहुत मुबारक हो डॉक्टर फरहान, माशाल्लाह इंडिया में आप अपने घर में शिफ्ट हो गए खैरियत से। तो अब उसकी हिफाजत आफियत के लिए नोट कर लें, सूरह बकरा का पहला रुकू और आखिरी रुकू, ये रोज़ाना जो है 3-3 मरतबा पढ़ना है, पढ़ के पानी पे दम करना है, वो पानी जो है वो घर के कोनों पे 3-3 छींटे मारने हैं। यह आपने 21 दिन करना है ये अमल, एक ये करना है। और दूसरा जो है घर में हिजबुल बाहर लगा के रखें, जो हमारी रहम टीवी ने अपलोड की हुई है हिजबुल बाहर, तो हिजबुल बाहर की दुआ जो वो लगा के रखें रोज़ाना, तो सुबह शाम 2 टाइम लगा लें, इंशाल्लाह हर तरह की जो है वो जादू टोने असरात दुश्मन हसद सब ख़त्म हो जाएगा। तो ये 41 डेज इसका अहतमाम कर लें हिजबुल बाहर का, और 21 दिन वो अमल कर लें, इंशाल्लाह घर में अमन और आश्ती रहेगी। बहुत शुक्रिया सर।